संबोधित कर रहे हैं। तीन चार और महिलाओं को देखना चाहता हूं जो चीफ मिनिस्टर बन के यहां बैठी हूं। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ एमएलए एमपी प्रधान का नहीं है, हमारा लक्ष्य महिलाओं को लीडरशिप में शामिल करने का है। हर लेवल पे, चाहे वो कार्यकर्ता के लेवल पे हो, चाहे वो एमएलए एमपी प्रधान जिला परिषद, हर लेवल पे हम महिलाओं को देखना चाहते हैं। हमारी विचारधारा में और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क जो हमारा विजन महिलाओं के लिए और जो उनका विजन महिलाओं के लिए, लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, यह फर्क जरूर कांग्रेस पार्टी में और आरएसएस बीजेपी में है, मगर सबसे बड़ा फर्क महिलाओं की जगह पे है। आप देखिए, उनका मेन जो संगठन है, जो उनका रिमोट कंट्रोल का संगठन है आरएसएस, उस संगठन के दरवाजे महिलाओं के लिए बिल्कुल बंद हैं। उस संगठन में एक महिला नहीं घुस सकती है। 50% छोड़िए, आरएसएस में एक महिला नहीं जा सकती है, और ना आज जाएगी ना कभी जा सकती है, क्योंकि यह विचारधारा है उनकी, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को सिर्फ पुरुष चलाएंगे। महिला इस देश को नहीं चला सकती है, महिलाओं की जगह पीछे है, पुरुषों की जगह आगे है। यह फर्क हम में और उनमें सबसे बड़ा फर्क है। और आप देखिए, चाहे कितनी बार भी हम यहां कह दें कि आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं, आप देखना आरएसएस के अंदर एक भी महिला नहीं घुस सकती है, क्योंकि जिस दिन आरएसएस के अंदर एक महिला घुस गई, उस दिन आरएसएस आरएसएस नहीं होगा। तो ये हमारी लड़ाई है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने आग लगा दी है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो गल्फ जीएसटी हो, चाहे वो किसानों की हालत हो, मनरेगा हो, जहां भी आप देखेंगी वहां पे गरीबों पर आक्रमण वार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रेप होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। झारखंड में, अलग अलग प्रदेशों में महिलाओं पर रेप होता है, प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोल सकते हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में बोलेंगे, हवाई जहाज के बारे में बोलेंगे, टॉयलेट के बारे में बोलेंगे, मगर महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। जब महिलाओं पर आक्रमण होता है, वार होता है, बलात्कार होता है, तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। बिहार में छोटी सी बच्चियों का रेप होता है और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह सकते हैं, उल्टा उनके पार्टी के नेताओं की रक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश में उनका एमएलए रेप अक्यूज होता है और बीजेपी के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। पूरे देश में माहौल बन गया है, आज हिंदुस्तान की हर एक महिला डर के बाहर निकलती है। दुनिया में कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, प्रेस
सबके सामने कहा जाता है कि आपका देश आपकी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।